श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों चलिए आज आपको प्रसंग क्यों आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में गुरु महाराज का वचन सुनाते हैं। अद्वै भाव कैसा, यह जो भादो में अनंत पूजा होती है वह अनंत नहीं है, यथार्थ में अनंत होना चाहिए। वह एक परमात्मा है, जैसे शून्य में कोई थाह नहीं मालूम होती है कि वह कहां तक है। वायुयान जाए चाहे कोई पक्षी उड़े तो शून्य का अंत नहीं होगा। इसी तरह जो लोग विशेषज्ञ हैं वे ईश्वर को जानते हैं। साधक लोग केवल जानते ही नहीं है, प्रत्यक्ष करके पहचानते भी हैं। पहचान लेने पर परमात्मा से अद्वै भाव हो जाता है। परमात्मा मुझसे अलग है ऐसा नहीं, बल्कि मैं और परमात्मा एक ही हूँ, यह है अद्वै भाव। इसमें कुछ करना नहीं होता, सब चुप हो जाते हैं। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि अद्वै भाव कैसा होता है, तो वे चुप रहे। श्री राम ने पुनः पूछा, गुरु महाराज आप रुष्ट तो नहीं हो गए हैं, मैं पूछता हूँ और उत्तर नहीं देते। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम जब से पूछ रहे हो मैं तब से उत्तर दे रहा हूँ। अद्वै भाव में चुप ही रहना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि संत मत सत्संग का विषय बड़ा गंभीर है। इसके सद्गुणों को धारण करो, पापों को छोड़ो, सत्संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।